हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम बनाएंगे गोभी फ्राई विथ डार्क सोया सॉस। ठीक है, आज हम गोभी फ्राई बनाएंगे डार्क सोया सॉस के साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बनता है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखिए, हमने गोभी को बड़े बड़े टुकड़ों में काटे हैं। गोभी फ्राई बनाएंगे, अच्छे से साफ़ कर लीजिए धो के। और ये हरी मटर, लहसुन, हरी मिर्च, ये थोड़ा सा शिमला मिर्च और ये प्याज की कलियाँ निकाल लिए हैं, इसी से आज हम बनाएंगे। और ये बड़ा और ये ढेर सारा हरा धनिया, एकदम फ्रेश ताज़ी हरा धनिया अभी बहुत आता है, उसको ले लीजिए। इसको हमने सरसों के तेल से बनाएंगे, थोड़ा तेल ज़्यादा लगेगा, गोभी फ्राई होगा। इसमें हमने किसी तरह की छौंक नहीं लगानी है। ये हमने गोभी डाल दिए हैं, आप पहले लहसुन कूट के डाल सकते हैं, छौंक में हमने बाद में डाले हैं, आप पहले कढ़ाई में डाल सकते हो। ये हमने लहसुन कूट के डाले हैं, फ्राई हो जाता है, सब इकट्ठा फ्राई करेंगे। ये हरी मिर्च चीर के चीर लिए हैं बीच में से, और ये शिमला मिर्च, और ये प्याज, प्याज डाल दिए हैं। अभी हरी मटर भी हमने इसमें डाल देनी है। इकट्ठा हम सबको भूनेंगे, अच्छे से पहले इसको भून लेंगे। इकट्ठा आप मीडियम फ्लेम पे भूनिए, ज़्यादा हाई फ्लेम करोगे तो ये जल जाएगा, इसीलिए हम मीडियम फ्लेम पे इसको भूनेंगे, अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए, हमारा अच्छे से भून लिए हैं गोभी को। अभी हम हल्दी, थोड़ा सा हल्दी डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक। ठीक है, अभी इसको हम अच्छे से पकाएंगे, अच्छे से पकाएंगे, एकदम फ्राई करेंगे, पानी बिल्कुल नहीं। अभी गोभी का पानी निकल आएगा थोड़ा बहुत, पहले हमने भून लिए थे जो पानी था सूख गया था, अभी नमक डाले हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी आएगा, उसी से हम गोभी पक जाएगा, अच्छे से पक जाएगा। इसको हम मीडियम फ्लेम पे थोड़ा धैर्य के साथ पकाइए, अच्छे से भूनिए। अब ढक के पका सकते हो। ये देखिए, हमारा डार्क सोया सॉस, डार्क सोया सॉस और ये टमाटो सॉस, ये दोनों को हम इसमें डालेंगे, अच्छे से भूनेंगे और थोड़ा भूनेंगे। ये देखिए, भून गया है अच्छे से। और ये हरा धनिया, ढेर सारा हरा धनिया डाल दिए हैं, और थोड़ा भुनेंगे अच्छे से। आप इसको ढक के भी पका सकते हो, ढक के भी पका सकते हो गोभी नरम होने तक। पानी बिल्कुल नहीं, पानी बिल्कुल नहीं, ये फ्राई बन रहा है, गोभी फ्राई बन गया, पक गया है, अच्छे से हमने भून लिए हैं। अभी हम सॉस डालेंगे, ये हमने टमेटो सॉस डाल दिए हैं, अच्छे से पहले भून लीजिए फिर बाद में सॉस डालिए। ये हमने डार्क सोया सॉस डाले हैं, अच्छे से इसको मिलाएंगे और भुनेंगे। लो फ्लेम, लो फ्लेम, फ्लेम को हाई मत कीजिएगा, जल जाएगा सारा चीज़, जल जाएगा। लो फ्लेम में मीडियम, ये हमने कॉर्नफ्लावर एक टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिए हैं, इसको पानी में घोल के फिर डाले हैं। आप भी मेरी तरह पानी में घोल के डालें थोड़ा सा, ये लीजिए, अच्छे से भूनिए, ज़्यादा और ज़्यादा भुनना नहीं पड़ेगा। बस तैयार आपका गोभी फ्राई विद डार्क सोया सॉस, ये लीजिए बन गया, और थोड़ा सूखेगा। ये जो ग्रेवी दिख रहा है ये थोड़ा सूखेगा। बन गया आपका गोभी फ्राई विद डार्क सॉस। बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही टेस्टी, एक बार बनाइए खाइए। वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे सारे प्यारे दोस्तों से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब जरूर करें। लीजिए तैयार आपका गोभी फ्राई विथ डार्क सोया सॉस, बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही टेस्टी, किसी भी चीज़ के साथ खाइए, रोटी, पराठा, पूरी, बहुत ही स्वादिष्ट।
वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब जरूर करें। अगले एपिसोड में नया रेसिपी लेके आ जाऊंगी, तब तक के लिए बाय।